रीवा जिले के जनपद पंचायत सिरमौर के सभागार में आज मिड डे मील में मिल रही अनियमितता की शिकायतों के संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा बैठक की गई। बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के सिरमौर विकास खंड शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्रा, बीआरसी अधिकारी बिजेंद्र गौतम, जनपद उपाध्यक्ष सहित जनपद सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि मध्याह्न भोजन में भारी अनियमितता एवं मेनू के अनुसार खाना न बनाए जाने की लगातार शिकायतें कई जगहों से मिल रही हैं, जिसको लेकर अधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्णय लिया कि जांच के उपरांत गड़बड़ी पाए जाने पर सुधार के लिए एक अवसर देने के बाद सुधार नहीं होने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए समूह बदल दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में 10 वर्षों से भी ज्यादा समय में समूह में काम कर रहे जिनकी शिकायतें लगातार आ रही हैं। कई स्थानों की तो यह स्थिति है कि वहां मध्याह्न भोजन ही नहीं बन रहा है। जल्द ही इन स्कूलों का निरीक्षण कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो शिकायतें हैं मैं जो जैसा चर्चा किया जहाँ भी वहाँ पे दिखवाएंगे और उसमें अच्छा गुणवत्तापूर्ण भोजन बनाया जाए उसकी हमारी यही है, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो जो समस्याएं हैं तो अपन ध्यान करेंगे, देखेंगे। जी, अगर ऐसा कहीं पर लग रहा है कि शिकायत आ रही है गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं है और मेनू अनुसार नहीं है तो उसको तत्काल सुधारने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा, नहीं सुधार करता है तो समूह भंग करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा।